महिला डॉक्टर प्रीति कौशल की मौत की रहस्यमय गुत्थी लगभग सुलझने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जी हां, डॉक्टर प्रीति कौशल को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले उनके पति डॉक्टर शैलेंद्र पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तफ्तीश में जानिए 2 जनवरी 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर प्रीति की जहर खाने से मौत हो गई थी। महिला डॉक्टर की शादी कुरुक्षेत्र के नामी डेंटल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र से हुई थी। महिला डॉक्टर के परिजनों का आरोप है कि प्रीति को शादी के कुछ दिन बाद ही प्रताड़ित किया जाने लगा था और आखिर में डॉक्टर प्रीति ने जिंदगी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस पूछताछ में जुटी है। चलिए देखते हैं इस मामले पर DSP अजय राणा ने क्या कहा। डॉक्टर प्रीति कौशल के जो ब्रदर हैं नवीन, उन्होंने एक शिकायत दी थी जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ था कि प्रीति कौशल को जहर देकर के इन चारों ने मार दिया है। शैलेंद्र पति, रिपू उर्फ गगनदीप देवर और स्मृति ननंद और सीता, जो कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि जो ननंद और देवर और उनकी सास वो ऊपर पोर्शन में रहती थी और ये पति पत्नी शैलेंद्र और ललिता ये निचले पोर्शन में रहते थे। और दौरान तफ्तीश 306 का मामला पाया गया कि उसको दबाव देकर, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, उसको दबाव देकर के उसके पति द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उसने अपनी कुछ जहरीला पदार्थ खा करके जान दे दी थी। हाँ, हत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है उसके अनुसार 306 पाई गई है। आरोपी अरेस्ट कर लिया गया जी। रिमांड वगैरह मांगा जाएगा? बिल्कुल, 2 दिन का रिमांड मांगा जाएगा। अब बाकी कोर्ट के ऊपर है, 1 दिन का दे, 2 दिन का दे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और उसमें जैसे भी हालात होंगे उसके बाद फिर वो कार्रवाई अमल में लाएगी। रिमांड किस आधार पर? एक तो फ़ोन कॉल डिटेल और दूसरा तफ्तीश जो है मुकम्मल करने के लिए 2 आधार पर मांगा गया है। हाँ वाजिब है, जो जिसके ऊपर आरोप लगता है वो 2-4 दिन बाहर तो रहेगा ही। अरेस्ट किया है या नहीं? अरेस्ट किया है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।